नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नालको शेयर के बारे में, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के बारे में कि आपको इस शेयर पर जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और जो इस शेयर में आपको आने वाला टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का जो है सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो क्या इंडिकेट करें, वो भी क्लियर कर देंगे। तो गाइस, अगर आप जो इस शेयर में निवेशक है, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा हम आपको जो है गाइस क्लियर कर देंगे। तो चलिए गाइस, स्टॉक का जो है टेक्निकल और जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है शुरू करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नालको शेयर के बारे में, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के बारे में। इस शेयर का जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो क्या इंडिकेट करें, और यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम बन रहा है। तो नालको में आज आप देख सकते हैं एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और जो अपना स्टॉक मार्केट है उसमें काफ़ी टाइम से अब एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला, और एक ही रेंज में जो है हमें स्टॉक फंसते हुए दिख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में आप देख सकते हैं स्टॉक ने आपको जो है बिल्कुल ही माइन्यूट जो है रिटर्न्स बना के दिए हैं। पिछले एक महीने में सिर्फ 3% के रिटर्न बना के दिए, और पिछले एक साल में आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रैली और एक स्ट्रॉन्ग तेजी शेयर में बनी हुई है। तो आपको पता है गाइस, नालको में हम जो थे काफ़ी बुलिश थे, और हम काफ़ी टाइम से आपको बाय कॉल दे रहे हैं। आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, 60-70 के लेवल से हमने आपको पहले बाय कॉल दी थी और 200 के टारगेट दिए थे, वो अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ से हम टारगेट अपग्रेड कर रहे हैं गाइस, और अभी भी हमें शेयर पे बुलिश है। यहाँ पे आपको जो है 250 से लेके 300 प्लस के टारगेट जो है नालको में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही राय दूंगा, और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, नालको में आप लोग बैठिए। नालको शेयर आपको 250 से 300 प्लस के टारगेट बना के देगा, कोई भी कमी आपको जो है नालको में देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको बहुत तगड़े रिटर्न बना के देगा, और बहुत तगड़ी चीज़ें आपको इस शेयर में देखने को मिलेगी। कंपनी काफ़ी बड़ी है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है, मार्केट कैप आप देखते हैं कंपनी काफ़ी बढ़िया है, पी रेशियो काफ़ी बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग पर शेयर वगैरह जो है कंपनी की वो काफ़ी बढ़िया है। फाइनेंशियली आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़िया है, और नेटवर्थ कंपनी का काफ़ी बढ़िया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी बढ़िया है, और ऊपर से जिस हिसाब से एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है, उससे आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम को काफ़ी बेनिफिट होगा। एक नेगेटिव पॉइंट ये है, चाइना पे जो है अमेरिका थोड़ा सख्ती बरत सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, जिसका थोड़ा इम्पैक्ट जो है नालको पे ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन बाकी जो है डिमांड है एल्यूमिनियम की वो सारा कवर हो जाएगा। तो नालको में अभी भी हम आपको कहेंगे कि आप लोग जो है बुलिश लीजिए, ये शेयर आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा, कंपनी काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप जो है 250 से 300 प्लस के लिए बैठिए, हम भी शेयर पर काफ़ी बुलिश है, आप लोग भी बेफिक्र बैठिए। तो चलिए, तो गाइस यहाँ पे हम आपको नालको का जो है चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप में आप देख सकते थे ट्रेंड क्या शानदार नालको का बना था, एक तरफा बुलिश ट्रेंड और एक तरफा बुलिश रैली जो थी शेयर में बनी हुई थी, और कोई भी जगह जो है स्टॉक रुका नहीं था, और एक तरफा जो था भागा था। तो मैं आपको यही राय दूंगा, और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, नालको में आप लोग जो है बेफिक्र बैठे, कोई भी कमी आपको जो है नालको में देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में बहुत अगले रिटर्न बना के देगा। आप देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप बना और कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बना है। तो 250 से 300 प्लस का टारगेट अभी भी हम जो है इस शेयर में आपको इंटैक्ट लेके जो है चलेंगे, और आपको यही राय देंगे, आप लोग जो है बेफिक्र शेयर में बैठे, 250 से 300 प्लस के टारगेट आपको इस शेयर में देखने को मिलेंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और ग्रोथ आउटलुक कंपनी का जो है पॉजिटिव है, कोई भी कमी आपको जो है नालको में देखने को नहीं मिलेगी। 250 से 300 प्लस के टारगेट आपको जो है नालको में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, कोई भी अपडेट आता है स्टॉक से रिलेटेड हम आपको बता देंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आप लोग जो है इस लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे 225 का स्टॉप लॉस लेके चलिए और 250 से 300 प्लस के टारगेट के लिए बैठे रहिए। तो गाइस, कोई भी अपडेट आता है हम आपको बता देंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।